ऑन का ऑर्गेनाइज भी किया गया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए। आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे प्रदर्शन कर रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना इसमें फर्क पड़ने वाला? ये जो भाजपा का जो डुअल जो दोगला चरित्र है उसको हम दिखा रहे हैं। एक वॉशिंग मशीन हमने बनाया है, उसके जरिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा ने इस प्रकार के हरकतें किए हैं कि उनको हक नहीं है करप्शन पे बोलने का। दुनिया के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल, नवीन जिंदल, सबको लेके, सबको अपने पार्टी में सम्मिलित करके, ईडी के सारे मसले को बंद करा करके भाजपा ये दिखा रही है, उसका इंटरेस्ट करप्शन ठीक करने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट करप्ट को अपनी पार्टी में लाने में है। उस बगैर किसी प्रमाण, बगैर किसी सबूत को आपने अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, दिल्ली के 3 बार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को। इस प्रकार की हरकतें दर्शाती है कि ये तानाशाह बन चुके हैं और तानाशाही का जवाब देश की जनता वोट से देगी। हम अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं, वो गोडसेवादी हैं, वो हिंसावादी हैं। तो गोडसेवादी लोगों को समझ में नहीं आएगा जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता समझती है कि इस बार वोट की ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दी गई वोट की ताकत से जनता ने बताना है कि जनता लोकतंत्र के लिए है, संविधान के लिए है। आपको 10 साल देश में काम करने का मौका जनता ने दिया, आप अपनी लाइन लंबी खींचते, आप कहते अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, हम पूरे देश में करेंगे। जो स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिजली किया, पानी किया, औरतों के लिए फ्री बस सेवा की है, अभी 1,000 रुपये देने वाले हैं पर मंथ हर महिला को जो 18 साल से बढ़ी है। तो ये सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं, इसलिए दिल्ली में महंगाई का दर कितना है, 2.81%, गुजरात में कितना, 8%, यूपी में कितना, 8%। ये कहते हैं आयुष्मान योजना, अरे भैया आयुष्मान योजना अगर तुम्हारा ठीक हुआ होता तो यूपी और हरियाणा और जो तुम्हारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उसके 70% लोग तो यहाँ पहुँचते हैं। हमारे दिल्ली के जितने अस्पताल हैं सब भरे पड़े हैं इनके लोगों से। हम ही नहीं कहते वो ना आए, उनका स्वागत है, लेकिन अगर आयुष्मान तुम्हारा इतना इफेक्टिव था तो तुम्हारे राज्य के लोगों को तुम इलाज क्यों नहीं मिला तुम्हारे यहाँ। इसलिए इस बार दिल्ली की जनता इस बात का मन बना चुकी है कि जिन सांसदों ने दिल्ली का साथ नहीं दिया, जिन सांसदों ने दिल्ली की आवाज़ नहीं बन पाए पार्लियामेंट के अंदर, इस बार उन सबको हटा करके जो भगवान श्री राम के राम राज की परिकल्पना है उसका पूरा करने में सहयोग देगा, वैसे सांसद इस बार पार्लियामेंट जनता भेजेगी।